नवाबगंज रेलवे स्टेशन की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रेल मंत्रालय और रेलवे प्रबंधन की उदासीनता से लोग नाराज हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर द न्यूज इंडिया ने व्यवस्था के साथ मूलभूत सुविधाओं की पड़ताल की। नवाबगंज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और स्थानीय लोगों ने अनेक समस्या की जानकारी दी। यात्रियों और स्थानीय निवासियों ने केंद्र सरकार से यहाँ की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का आग्रह किया। यहाँ पे आज मैं यहाँ के जो पैसेंजर है, जो यहाँ के यात्री हैं, मैं उनसे एक बयान लेना चाहता हूँ कि यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको यहाँ पे आने के बाद क्या वो पूरी तरीके से मिल नहीं है आ रही हैं। और यहाँ की बदहाली जो है वो आज मैं कैमरे की नज़र के सामने से आज मैं अपने टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊँगा कि नवाबगंज रेलवे स्टेशन आज बदहाली की जिंदगी गुजार रहा है। ये भी दिखाना चाहता हूँ कि नवाबगंज रेलवे स्टेशन पर यहाँ पानी की क्या सुविधा है। नल सूखा पड़ा, यहाँ की जो जनता है वो पानी कहाँ पिएगी। यहाँ के लोगों को, यहाँ के यात्रियों से जब मैंने बात की है तो यहाँ के यात्रियों ने अपने शब्दों में मुझे ये बताया है कि वो पानी खरीद के इलाके पीते हैं। इतनी भीषण गर्मी में जो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है पानी, वो भी उनको खरीद के पीना पड़ रहा है। की नजरों से दिखाना चाहता हूं कि यहां पे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था जो है सर्वोपरि होनी चाहिए, सबको बार बार इस चीज के लिए जो है प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन आज मैं नवाबगंज के रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ हूं और यहां पे शौचालय की क्या व्यवस्था है, शौचालय कितना साफ और स्वच्छ यहाँ पे दिख रहा है, एक बार मैं कैमरे की नजरों से आपको दिखाना चाहता हूँ। रेलवे स्टेशन पर महिलाएं और बच्चे, अगर उनको कभी कोई समस्या होती है तो वो खुले में जाती हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे जरा सी भी साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। एक बार मैं कैमरे की नजरों से पूरे रेलवे स्टेशन को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे साफ सफाई की क्या व्यवस्था है। सरकार मैं यहीं का लोकल निवासी हूँ और इस समय जा रहा हूँ सर मनकापुर। अच्छा जी, क्या समस्या है आपको? सर समस्या एक नहीं, बहुत सारी समस्या है। एक हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बताइए कौन कौन सी समस्या? अब सर यहाँ न तो टॉयलेट की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, और यहाँ तक कि टिकट का भी व्यवस्था नहीं है। अगर 20 यात्री हैं तो 5 आदमी टिकट है, 10 आदमी वैसे जा रहे हैं सर। अच्छा, यहाँ पे आपको टिकट मुहैया नहीं हो रहा? और एक सर प्रॉब्लम और है सर, तो आप बिन टिकट के जाओगे क्या करें? सही कह रहे हो। आपका नाम? स्वस्ति बाल वर्मा है हमारा नाम। हाँ, हमको छपिया का सफर करना है, टिकट की उपलब्धता नहीं है। टिकट की उपलब्धता नहीं है? नहीं है। वहाँ पे जब आप पहुँचे हैं तो उसने क्या बताया आपको? वो टिकट खत्म है, टिकट है ही नहीं है। अच्छा, और उसके अलावा? उसके अलावा यहाँ पे सुविधा नहीं है, पानी का नहीं है, शौचालय नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है ठीक से। कौन सा स्टेशन है ये? नवाबगंज गोंडा स्टेशन है। भैया हम गोरखपुर से डेली आते हैं यहाँ माल लेकर, कपड़े का कारोबार हमारा है। यहाँ से बराबर हफ्ते में 4 दिन रेट कर हमको जाना पड़ता है। अच्छा, मानकापुर हम टिकट कटाते हैं। हाँ, अगर यहाँ कोई शिकायत करो तो कहते हैं आप रोडवे से चले जाइए। अच्छा, आप पकड़ाए तो आपकी जिम्मेदारी हम नहीं जानते। अच्छा, आज भी यही बात कहें कि टिकट नहीं है और आप रोडवे से जाइए, ये बेटिकट जाइए, पकड़ाएंगे आपकी जिम्मेदारी। अच्छा, आपका नाम? नाम हमारा नूरुद्दीन है, घर हमारा खलीलाबाद में है। यहाँ कपड़े का कारोबार हमारा, यहाँ आते हैं हमेशा लेके कपड़े। अच्छा, एक मिनट पूछ करिए। आएंगे तो टिकट मिल पाएगा? कितना टिकट रहने वाली है? तो आप जब से यहाँ पे आई हुई हैं तो क्या समस्याएं आपको इस स्टेशन पर लगी? यहाँ हमको पानी नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, तब से यहाँ खड़े हैं, बैठने की जगह नहीं है। अच्छा अच्छा, क्या आप लगभग कितनी देर से यहाँ पे हैं? लगभग 2 घंटे हो गए। और पानी नहीं है तो आपने पानी खरीद के पिया हुआ है? 40 मिनट हो गया। आपका नाम क्या है? रघुनंदन मिश्रा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ लखपत नगर। आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं? मनकापुर के। मनकापुर के हैं। क्या समस्या आई आपको यहाँ? समस्या यही है कि हम लोग आए यहाँ से जम्मू से, पानी के लिए बोतल रखा था, यहाँ पानी नहीं मिला। उधर गया बाहर दुकान पे, वहाँ नल लगा था, वहाँ से पानी भर के आया। फिर बाद में टिकट लेने गया तो वो टिकट भी बोला नहीं है, टिकट का। अच्छा, टिकट भी नहीं है। और
टॉयलेट वॉयलेट की व्यवस्था? टॉयलेट की व्यवस्था, टॉयलेट का तो जरूरत पड़ा नहीं, मैं देखा नहीं कहीं गया। नाम बताइए, नाम बताइए। भानुमती जी, भानुमती जी आप यहीं के रहने वाले हैं कि कहीं से आई? अच्छा, आप जा कहाँ रही हैं? मनकापुर। मनकापुर, यहाँ पे आप बैठी हुई हैं तो आपको इस स्टेशन पर कोई समस्या है? पानी की व्यवस्था है यहाँ पर? कुछ नहीं। पानी आप कहाँ से लेके आई? खरीद के लाए। पानी आपने खरीद के पिया? आप महिलाएं हैं, यहाँ पे शौचालय और टॉयलेट की भी व्यवस्था है कोई? कुछ नहीं। कोई नहीं है व्यवस्था? कुछ नहीं। आप? नाम क्या है आपका? कहाँ जा रहे हैं? मनकापुर जा रहे हैं। पानी आपने भी खरीद के लिया है? हाँ। आप क्या चाहती हैं सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं कि जैसे मतलब जेई आती पानी की गर्मी में पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं बहुरिया सब यहाँ आवत मान बच्चे आवत चीज की परेशानी है, कौन चीज की परेशानी है? बच्चों को भाग के जाओ वहां से लाओ। हां, कौन चीज की प्लेटफार्म तो बना हुआ है, प्लेटफार्म में क्या चाहते हैं? ऊंचा होने की जरूरत है, ऊंचा चढ़ती हैं तो दिक्कतें होती है, प्लेटफार्म ऊंचा जाती है, ट्रेन की सीढ़ी के बराबर। आपका नाम क्या है? कहाँ जा रही है? टिमी जा रही है। आपको इस स्टेशन से क्या मतलब? इस स्टेशन पे जब आप पहुँचे क्या समस्या है? यार टिकट कंटिन्यू किया जाए। अच्छा अच्छा, और एक बार हमारा बच्चा भी छोड़ गया था। अच्छा, प्लेटफार्म की वजह से आप चढ़ नहीं पाई और उतारने में? अच्छा, उतारने में परेशानी होती। तो ये ट्रेन में छूट गया था कि बाहर छूट गया था? ऊपर ही ट्रेन में छूट गया था, उतरने में दिक्कत हुई थी। और पानी वानी यहाँ पर नहीं है? नहीं था लेकिन लिए। अच्छा, आपने पानी खरीद के लिया? ठहरा हो मनोहर संगम का ठहरा हो, और यहाँ पर प्लेटफार्म बहुत नीचा है, चढ़ने उतरने में भी दिक्कत होती है, शौचालय का भी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे हैंड पाइप भी नहीं है, हैंड पाइप जो है तो कईयों वर्षों से बंद पड़ी हुई है, पानी भी सही नहीं आता है। हाँ, पानी भी सही नहीं आता है। एक चीज है, नवाबगंज टाउन एरिया है, यहाँ स्टेशन जो है ठीक है का है, इसको रेलवे से कन्फर्म किया जाए, टिकट कभी रहता है कभी नहीं रहता है, तो यहाँ टिकट की व्यवस्था की जाए, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ किया जाए। नहीं, आप सही कह रहे हो, होगी जैसे यहाँ की जो यात्री बिना टिकट के जाते हैं, ये हमारी सरकार को ही जो है नुकसान होता है। और दूसरी चीज जो है, पैसेंजर को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि समय टिकट नहीं है, कहाँ से कोई टिकट लाए, नहीं का नहीं है अभी। हालांकि मैंने बात किया था अंदर, तो जो प्रेजेंट टाइम में यहाँ बैठते हैं वो यहाँ पे है नहीं, तो उन्होंने बताया है कि टिकट मैं ला रहा हूँ, अभी मैं उनसे भी बाइट लेता हूँ कि आखिर में वो कैसी समस्या है, वो उनके सामने ये टिकट की समस्या कहाँ से आ रही है, और इसके अलावा आपको क्या दिक्कत महसूस हुई यहाँ पर? और तो आप देख ही रहे ना, पानी है ना, शौचालय है। पानी आप इतनी लगभग कितनी देर से आप उपलब्ध है? अरे मैं 2 घंटे से हूँ। तो आपने पानी कहाँ से पिया? पानी तो मैं मार्केट से ले आ रहा हूँ, खरीद के आपने पानी पिया? जी। उमाकांत तिवारी जी, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया जी। आपके व्यापार मंडल के सारे व्यक्ति, नवाबगंज की सारी जनता यहाँ पे उपलब्ध है जी। आपने इस नवाबगंज रेलवे स्टेशन के बारे में हम लोगों को इनवाइट किया कि यहाँ पे मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो नहीं है पूरे तरीके से जी। जो सुविधाओं की यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है जी। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारी भारत सरकार से ये मांग है कि 72 साल हो गया देश को आज़ाद हुई, आज तक नवाबगंज स्टेशन पर आप सब लोग कैमरे से मतलब जो है दौड़ा करके इसको देख लीजिए अपने चैनल के माध्यम से कि यहाँ नल खराब है इंडिया मार का, एक बूंद पानी नहीं आता, टॉयलेट में ताला लगा हुआ है, एक यहाँ की महिलाएं यहाँ के पुरुष किसी को कोई भी जरूरत पड़ जाए शौच की तो ताला लगा हुआ है, इसकी भयंकर गर्मी लू में यहाँ एक बूंद पानी नहीं है, टिकट की आपने समस्या देखा, टिकट जो है मौके पर उपलब्ध नहीं रहता, यात्री बिना टिकट जाने के लिए मजबूर होते हैं, आपने देखा यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, रात में यात्री आने से डरते हैं, यहाँ आपने देखा कि कोई भी सीट या कोई ऐसी छाया नहीं है जो बैठने के लिए यात्रियों को कोई सुविधा यहाँ उपलब्ध हो, यहाँ की महिलाएं यहाँ के पुरुष बच्चे सब बिल्कुल तड़पते हैं प्यास से, और कोई भी मूलभूत समस्या यहाँ कोई
ऐसा नहीं है जो मानव अधिकार का खुला हनन हो रहा है यहाँ। नहीं सही कह रहे हो। तो हम मतलब आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से यहाँ ये कहने आया हूँ कि यहाँ की जो मूल समस्या है और जो जन समस्या है, यहाँ भारत सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ की समस्याओं का निराकरण हो। आप हमने कई बार अपने आंखों से देखा कि यहाँ जो है रेलवे लाइन जब रेल ठहरती है तो यहाँ का जो प्लेटफार्म है ऊंचा नहीं है। कई बार महिलाएं गिरी हैं, कई बार पुरुष गिरे हैं और बच्चे गिरे हैं, एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन चल दी, सामान छूट गया यात्रियों का, आए दिन यहाँ बहुत बड़ी समस्या होती रहती है। रात में जब ट्रेन आती है तो कोई भी यात्री यहाँ आने से डरता है। इससे पहले कुछ जो है यहाँ पे हत्याएं भी हुई हैं। अच्छा, इसके पहले कई भी चोरी घटनाएं, हत्याएं वगैरह सब हुई। यहाँ रात में यात्री आने के लिए बिल्कुल भयभीत होते हैं, डरते हैं, इसलिए यहाँ कोई मतलब रिक्शा वाहन या मतलब ऑटो रिक्शा वाले भी आने के लिए तैयार नहीं होते रात में। इतनी बड़ी समस्या है, सरकार क्या कर रही है आँख बंद करके यहाँ मतलब जो है देख रहे। यहाँ के यात्री देखिए आप, यहाँ हजारों यात्री हैं, सब क्या टिकट नहीं लेते हैं? तो ये सीधा मानव अधिकार का हनन हो रहा है यहाँ। हम ये चाहते हैं, भारत सरकार से मांग करते हैं, और मतलब अगर इस मांग को पूरी नहीं हुई तो हमारा संयुक्त व्यापार मंडल इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, ज्ञापन देगा, धरना प्रदर्शन करेगा, इसके लिए मजबूर होगा। नहीं सही कह रहे हो आप, जिस तरीके से यहाँ के यात्रियों से हमने उनकी समस्याओं को पूछा है जी, और आपसे भी हमने इन सारी चीजों को जो है बात की है जी, तो यहाँ पे काफी सुविधाओं से यहाँ के लोग वंचित है। अच्छा, दूसरी चीज जो है यहाँ पे, अभी मैंने एक व्यक्ति और थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ट्रेनों का ठहराव भी शायद बंद कर दिया गया है जी, तो क्या ये सही बात है? हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ इंटरसिटी मतलब अब नहीं रुकती है, यहाँ मनोरमा नहीं रुकती है, यहाँ 2 मिनट कम से कम 2 मिनट सभी ट्रेनों का ठहराव हो, क्योंकि यहाँ आप सब लोग शांत रहे, क्योंकि यहाँ से नवाबगंज की जो जनसंख्या है और दूर दराज की जो जनसंख्या है वो लाखों में है, लाखों में नहीं करोड़ों में है, तो करोड़ों में अगर है तो यहाँ कम से कम 10% अगर यात्री ट्रेन से यात्रा करते हैं तो कम से कम 4,000-5,000 यात्री, 10,000 यात्री वैसे बिना मेला ठेला के यात्री यात्रा करते हैं, उनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता। आप बताइए, इतनी मतलब चिलचिलाती धूप में, गर्मी में, लू में आदमी पानी पी करके भी नहीं बैठ पाता है, और जहाँ खुले आकाश और बादल के नीचे बैठता होगा जो आदमी यात्री बैठता होगा, उसके दिल पर क्या गुजरता होगा? नहीं सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। एक चीज और खाली आपसे जानना चाहते हैं जी, कि यहाँ पे ये स्टेशन जो है ये कितने रूटों को जोड़ता है? ये इसको तो कुल मिला करके जंक्शन होना चाहिए, इधर से गोरखपुर और अयोध्या फैजाबाद से सारी मतलब जो है राजधानी को जोड़ता है, इधर पूर्वांचल को जोड़ता है, इधर आप चले जाइए मतलब जो है नेपाल देश को जोड़ता है, वहाँ भी जाने वाली ट्रेनें हमारे यहाँ से, यहाँ से तो सारी ट्रेनें हर जगह हर दिशाओं में जाती हैं। चलिए, हमारा नाम शरण कुमार सोनी है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, कहरान मोहल्ले का। यहाँ पे जो दिक्कतें हैं ये बहुत पुरानी दिक्कतें हैं, हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं अपने जो है हमारे प्रधानमंत्री को बतावें कि इस तरीके से यहाँ पे खाने में सुविधा नहीं है, बूढ़ बुजुर्ग महिलाएं रात में अभी ट्रेन से उनको उतरना हो तो समझ लो कि पहाड़ पे से उतरने का जैसे एक वो होता है कि गिर पड़ती है, चोटा जाती, कुछ भी होता है, फिर उसके बाद लाइट की सुविधा यहाँ नहीं है, पेयजल नहीं है यहाँ पर, उसके बाद हमारे यहाँ पे ये छाजन है, चलिए धूप में तो थोड़ा जो है आराम हो जाता है छाँ में, लेकिन बरसात में तो बैठने के जरा से भी काबिल नहीं है। अच्छा, ये ऊपर से टूटा हुआ है, ऊपर से टूटा हुआ, बारिश होगी तो उसमें जो है पब्लिक यहाँ की भीगती है। हम यही हम चाहते हैं, हम अपने जनप्रतिनिधि से जो हमारे सांसद हैं यहाँ के, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, तो हमारे इस नवाबगंज का जो बहुत पुराना ये स्टेशन है, यहाँ से बहुत से ट्रेनें आती थी जाती थी, लेकिन इस समय ये स्थिति है कि ना यहाँ का प्लेटफार्म ऊंचा है, ना यहाँ पे कोई मूलभूत की सुविधाएं हैं, अभी बच्चे को प्यास लग जाए तो उनको बाहर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। अच्छा, एक चीज आप और बताओ, ये स्टेशन से जो बाहर ये पानी लाते हैं लगभग कितनी दूरी पर? अरे कम से कम 500 मीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर की दूरी पे, और फिर उसके बाद इस स्टेशन के वजह से इस नवाबगंज का विकास रुक गया। और क्या भाई, जब स्टेशन पे यात्री जैसे अब बता रहे कि बताइए 5 लोगों को टिकट दिया गया, 5 लोगों को टिकट दिया गया, और 50 लोग उस ट्रेन पे जाएंगे जो
स्टेशन से ट्रेन पे जाएंगे वहाँ पे सवारी करने के लिए, अभी पुलिस पकड़ रेलवे विभाग पकड़ ले तो उनको तो चालान देना है, ना चालान दे तो जेल चला जाए वो, तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? रेलवे जिम्मेदार होगा कि क्या पब्लिक जिम्मेदार है? नहीं, इसमें तो रेलवे प्रशासन रेलवे प्रबंधन है। तो हमें यही निवेदन है अपने जनप्रतिनिधियों से कि यहाँ पे टिकट की जो है मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, यहाँ पे पेयजल उपलब्ध कराया जाए, यहाँ पे लाइट की सुविधा हो। ये हमारा जो प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म जो है ऊंचीकरण होनी चाहिए, तभी हमारे यहाँ की और हमारा ये नगर पालिका है। अच्छा अच्छा, ये हमारा नगर पालिका है। ये हमको तो लग रहा है कि 1933 में जब ये जो यहाँ पे जो शुगर मिल आया था उसी के बाद ये नगर पालिका हुआ है। तो जब मिला है तो विकास चालू हुआ, उसी की वजह से स्टेशन आया। आज हमारे स्टेशन का ये स्थिति है कि यहाँ पे कोई भी 6 बजे के बाद रात में कोई भी यहाँ पे स्टेशन पे आने से घबराता है, क्योंकि यहाँ पे सब स्मैची बैठते हैं, यहाँ पे सब चोर बैठते हैं। अभी कोई ट्रेन से उतारता है, कोई किसी का झोला छीन जाए, किसी का मर्डर हो जाए, भाई स्मैची तो 10 रुपए का दिन मर्डर कर देंगे। सही कह रहे हो। तो हमारा ये निवेदन है बार बार हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे यहाँ के विधायक सांसद मंत्री हैं, हमसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराया जाए। बताइए, जो चीज़ यहाँ होना चाहिए वो टिकरी में जाके हुआ है, जहाँ कोई जनसंख्या, जहाँ पे कोई जनसंख्या नहीं है। यहाँ पे इतने जनसंख्या नगर पालिका है, कम से कम नहीं तो हम जानते हैं कि डेली के डेली 2 से 3 हज़ार यात्री यहाँ पे उतरते और चढ़ते हैं। तो आप क्या चाहते हो कि जो ट्रेन का ठहराव पहले यहाँ था वो बंद कर दिया गया? तो आप नहीं, जो इंटरसिटी है कुछ दिन के लिए बंद हो गया था लेकिन फिर चालू हो चुका। अच्छा, फिर चालू। लेकिन जो हमारा इलाहाबाद, जो इलाहाबाद यहाँ से जाता है, प्रयागराज जाता है, ये सब यहाँ पे रुकना चाहिए। आप इसको स्टेशन बनाना चाहते हैं? स्टेशन बनाना चाहते हैं। यहाँ पे टिकट वाली, यहाँ पे टिकट ऑनलाइन का व्यवस्था हो कि हर जो है यात्री को टिकट मिल जाए। बताइए, उसके पास पैसे होते उसको टिकट नहीं मिलता, मजबूरी उसको ट्रेन में चढ़ना पड़ता है, चढ़ने के बाद पुलिस पकड़ ले, टीटी पकड़ ले, वो तो सीधा तो यही तो कहेगा कि तुम तो चूतिया बना रहे हो, हमें उठा के जेल में भर देता है। तो ये सब हम यही चाहो के कुछ ना कुछ इसके लिए करेगी कार्य। अविनाश जी, अभी हमने यहाँ पे जो आपके ट्रेन के यात्री जो थे, मैंने उनसे जो है बयान लिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है काफी जो है मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित। और दूसरी चीज जो है, यहाँ के कुछ यात्रियों ने हमसे ये भी बताया है कि जिस समय वो यहाँ पे पहुंचे और उनको टिकट की जरूरत थी तो टिकट यहाँ पे पूरे तरीके से उपलब्ध नहीं थे। कुछ लोगों को टिकट उपलब्ध हुआ, कुछ लोग बिना टिकट के थे। तो जब हम यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने हमसे यही शिकायत की कि सर, यहाँ पे हमको टिकट नहीं मिला है और हमको जो है बिना टिकट की यात्रा करनी पड़ेगी। तो हम आपसे ये जानना चाहते कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं टिकट लाने गोंडा गया था। अच्छा, वो मनकापुर गया था जी जी, और टिकट लेकर के आया हूँ जी जी। सभी लोगों को टिकट बांट दिया गया है, मनोर संगम से मैं आया हूँ जी जी। टिकट यहाँ उपलब्ध करा दिया, टिकट सबको दे दिया, क्योंकि यहाँ न कंप्यूटर है न यहाँ टिकट की सुविधाएं हैं, हमको मनकापुर से लाना पड़ता है। तो क्या आप टिकट यहाँ से तीसरे दिन? यात्रियों का ये तो नहीं, कभी 100 टिकट बिकता है, कभी 50 टिकट बिकता है, कभी इसमें लगन चल रहा है ज्यादा हो जाए, तो तीसरे चौथे दिन हम लोग टिकट लाने जाते हैं। अच्छा, वो टिकट क्या आप यहीं पे रखते हो? हाँ, टिकट यहीं पे रहता है। टिकट आप लेके आते हैं तो यहीं पे रहता है। तो मैंने तो एक चीज और भी देखा है सर कि यहाँ पे ना लाइट की व्यवस्था है, ना यहाँ सुनिए मूल सुविधा कुछ भी नहीं है, ना यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। पानी के लिए हम लोगों ने कहा भी था, अधिकारियों को सूचित भी कर दिया है, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, रेलवे विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। और क्या समस्या है? न लाइट है, न पीने की व्यवस्था है, न शौचालय है, न बैठने की सुविधा है। प्लेटफॉर्म ऊंचीकरण नहीं है, ऊंचीकरण नहीं है। वो तो मैंने सारी को चढ़ने और उतरने में काफी दिक्कत है। वो तो सारी चीजें मैंने कैमरे में रिकॉर्ड की है, ऑन रिकॉर्ड की है, यहाँ के लोगों से भी, यहाँ के कस्बे के कुछ स्थानीय लोगों ने मुझे इनवाइट किया था कि सर आप यहाँ पे आइए और इस रेलवे की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उससे जो है वो वंचित है। ये सर, जब से स्टेशन बना है तब से वैसे का ही वैसे हम लोग देख रहे हैं, इसमें कुछ हुआ नहीं है। केवल एक ट्रेन यहाँ पे रुकती है इंटरसिटी, उसके अलावा कोई ट्रेन नहीं रुकती और केवल पैसेंजर ट्रेन रुकती है। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे इस टिकट को जो है आप देते हो, यहाँ पे जो यात्री आते हैं तो वो किधर किधर से आते हैं?
हमारे यहाँ वही टिकट उपलब्ध है जो जहाँ के लिए ट्रेन जाती है, जैसे मनकापुर के लिए ट्रेन जाती है तो मनकापुर, अयोध्या फैजाबाद जाती है फैजाबाद, गोरखपुर तक का टिकट है हमारे पास, उसके अलावा कहीं का टिकट नहीं दे सकते। नहीं नहीं, टिकट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे जब एक ही ट्रेन रुकेगी तो आप दोगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये आपका रेलवे स्टेशन है ये कितने रूटों को जोड़ता है, कहाँ कहाँ के लोग आते हैं कि यहाँ इस स्टेशन पर? जहाँ बिहार, बिहार से लोग आते हैं, बिहार से आते हैं, काफी दूरी बहराइच साइड से लोग आते हैं, लेकिन कोई साधन नहीं है। ये जो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पे टिकट देते हो तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग आते हैं तो वो कितनी दूर से आते हैं, कितने लोग, कितने गांव के लोग यहाँ पे आते हैं? यहाँ काफी गांव से लोग आते हैं, तरबगंज को जोड़ते हैं, इधर कटरा से इधर के लोग यहीं पे इंटरसिटी पकड़ने के लिए आते हैं। अच्छा, ठीक है, और टिकरी साइड के लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा, काफी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, कई जगहों से वजीरगंज, तुलसीपुर, माजा, ये सब एरिया हमारे, मतलब ये यहाँ के जो पैसेंजर होते हैं वो इसी रेलवे स्टेशन पर आके तब यहाँ से उठे, यहाँ से जाते हैं, क्योंकि आगे की सुविधा नहीं है इसलिए लोग रेल से वंचित है। जैसे मैंने आपसे एक चीज और भी क्वेश्चन किया था कि जो आप टिकट लेके आते हो, मैंने जिस तरीके से यहाँ पे सारी चीजों को मैंने देखा है, तो क्या आप टिकट यहीं छोड़ के चले जाते हैं? नहीं, यहीं छोड़ के नहीं जाते, शाम को 7:30 बजे के बाद स्टेशन बंद होने तक हम सभी जितना कैश होता है और जो कुछ होता है वो घर चला जाता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि अच्छा, पूरी सुरक्षा व्यवस्था हमारे ऊपर है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, ठीक है, वो यदि हमारा एक भी टिकट गायब हो जाएगा तो रेलवे जिम्मेदार है, हमारे ऊपर क्लेम होगा। अच्छा, ये सारी नहीं, वो तो खैर सही है कि वो सारी जिम्मेदारी आपकी होती है, इसलिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है, न कोई सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ एक दो बार तो इसके ताले भी टूट चुके हैं। अच्छा अच्छा जी, अभी बहुत जल्दी ताला टूटा था तो आपने कंप्लेन किया था रेलवे को भी कंप्लेन किया, तो उन्होंने दरवाजा सही नहीं करवाया। अक्सर घूमते रहते हैं, अराजक तत्वों का यहाँ पे अड्डा है, पहली बात मतलब ये अराजक तत्वों का यहाँ पे अड्डा है, लोग आते जाते रहते हैं और इसकी कोई रोकथाम नहीं हो रही।